Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi Sharma, your maths teacher. इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इक्वल टू 1 मींस tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री प्लस tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री. इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है 1. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन राइट किया tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री. तो यहाँ पे चार टर्म है, मल्टीपल्स में चार टर्म है. तो अब हमें यहाँ पे ये सिंपल एंगल तो नहीं है कि जिनकी वैल्यू हमें पता है, तो ये दूसरे एंगल्स कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो हमें यहाँ पे इन चार एंगल को चेक करना है कि कौन से इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट मीन्स किन दो एंगल का सम 90 डिग्री है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 48 और 42 इनका सम हम चेक करते हैं. 48 प्लस 42 इनका ये और ये, तो 48 प्लस 42 कितना हो गया 90 डिग्री. इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है. और सेकंड 23 प्लस 67 डिग्री, तो इसका सम भी कितना है 90 डिग्री. इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के साथ, ये एंगल इस एंगल के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री की सबसे पहले हमने पेयरिंग को देख लिया कि इसका इसके साथ सॉल्व करना है, इसका इसके साथ 90 डिग्री का सम है. इसका मतलब ये 48 42 कॉम्प्लीमेंट्री और 23 67 के साथ सम 90 है, तो 23 67 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में है. पेयरिंग चेक करने के बाद में हमें ये देखना है कि दोनों में से, पेयरिंग हो गई है, जोड़ा बन गया दोनों का, तो दोनों में से सिर्फ एक के एंगल को चेंज करना है, दूसरे को नहीं चेंज करना. ये बात इन स्टेप के क्वेश्चन की सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने दोनों को चेंज कर लिया तो फिर से वो क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी. इसलिए दोनों में से सिर्फ एक को चेंज करना है. यहाँ पे पेयरिंग में टू पेयर हुए हैं, 48 42 और 23 67 का, तो चार में से सिर्फ दो चेंज होंगे, दो चेंज नहीं होंगे. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसको चेंज करना है वो हम यहाँ देख लेते हैं. तो अगर फर्स्ट एंगल को हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, 48 को चेंज करते हैं. 48 को चेंज करेंगे इससे, तो 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 42 डिग्री. और अगर इसके लिए ये हो जाएगा, अगर हम 23 को चेंज कर दें, 23 को चेंज कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 67 डिग्री. तो 48 की जगह हमें ये वैल्यू पुट करना है और 23 की जगह हमें ये वैल्यू पुट करना है. अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 48 की जगह पे हमें पुट करना है 90 माइनस 42 डिग्री और tan 23 की जगह हमें पुट करना है tan 90 माइनस 67 डिग्री और रिमेनिंग टू को हमें एज इट इज रखना है. सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं कि उनको ये तो समझ में आ जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट वो ये बात भूल जाते हैं कि हमें पेयरिंग में सिर्फ एक की वैल्यू पुट करनी है, दो की नहीं पुट करनी है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, अब हमें आइडेंटिटी का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो का आइडेंटिटी को पुट करना है. तो वो क्या हो गया, अब यहाँ पे tan सिर्फ एक ही है, tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cot थीटा. तो यहाँ पे जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है वो है tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा. तो यहाँ पे भी देखो tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा कौन है यहाँ पे 42 और इसमें थीटा कौन है 67, तो ये आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा हो गया cot 42 डिग्री, यहाँ से हो गया cot 67 डिग्री और दो हमारे एज इट इज रहेंगे, ये इनमें हमने कोई चेंज नहीं किया. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी रेशियो जो हमें पता है, मैं आपको एक और में दिखाती हूँ, कॉट, कॉट को हम चेंज करें तो कॉट क्या होता है 1/10a, कॉट a क्या होता है 1/10a, तो हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, कॉट थीटा इज 1/10 थीटा, ये है रिलेशनशिप बिटवीन
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यह रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जहां पे भी कॉट है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, टेन, तो टेन कॉट क्या हो गया 1/10 42 डिग्री, इंटू यहाँ पे भी क्या हो गया 1/10 67 डिग्री, और सब में मल्टीपल का रिलेशन है टेन 42 डिग्री टेन 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1042 मत चलो हम एक और यहाँ पे राइट कर ले ताकि आपको इजी हो जाए, न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म न्यूमरेटर में, तो ये 1 1 1 into 1 1 और ये इससे मल्टीपल होके क्या हो जाएगी 1042 डिग्री 1067 डिग्री, ये न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म 1042 डिग्री 1067 डिग्री, तो ये 1067 से कैंसिल 1042 से, ये इसलिए कैंसिल हो रही है क्योंकि इन दोनों में मल्टीपल का रिलेशन है, प्लस माइनस का होता तो नहीं कैंसिल होती, तो इन दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आया 1। मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए कुछ नहीं बचा आंसर 0, लेकिन कोई भी नंबर अगर जैसे 2/2 है तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा 1, तो हमें क्वेश्चन में यही शो करना था कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करके आंसर 1 लेकर आना था, तो ये देखो आंसर 1 आ गया, तो इस स्टेप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक मैंने आपको समझा दिया इसमें, तो आप प्रैक्टिस करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, थैंक यू।